नेक्स्ट हमारे पास है लोग के ये फॉर्मूले, जो कि जैसे रियल नंबर्स में होल्ड करते थे सेम वैसे ही कॉम्प्लेक्स में भी होल्ड करते हैं। इनके प्रूफ बहुत आसान है, मैं इनकी सिर्फ स्टेटमेंट बता रही हूँ। लोग जेड वन जेड टू इज इक्वल टू लोग जेड वन प्लस लोग जेड टू, लोग जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू लोग जेड वन माइनस लोग जेड टू। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एड हो जाते हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लोग जेड वन की पावर जेड टू दिस इज इक्वल टू जेड टू लोग जेड वन, पावर आगे आ जाती है, ठीक है। एंड लोग जेड वन जेड टू, तो ये होता है लोग जेड वन बाय लोग जेड टू। ये फॉर्मूले हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन पहले रियल में पढ़े थे, अब कॉम्प्लेक्स में है, रिजल्ट सारे सेम है। इसके बाद ये हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर बेस्ड काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं कि हमें अल्फा प्लस योटा बीटा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोग निकालना सीखना है। पहले हमने किस किस के लोग निकाले थे, पहले हमने निकाला था पॉजिटिव रियल नंबर का, फिर हमने निकाला था नेगेटिव नंबर का, फिर हमने निकाला था प्योरली इमेजिनरी नंबर का, और अब हम इस किसका लोग निकालना सीखेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस योटा बीटा का, ठीक है। मान लो अल्फा प्लस योटा बीटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा को हमने पुट कर दिया आर कोस थीटा, बीटा को पुट कर दिया आर साइन थीटा, ठीक है। लिख लेते हैं यहां पर, अल्फा को पुट कर दिया आर कोस थीटा और बीटा को पुट कर दिया आर साइन थीटा, दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि वन होगा। तो हमारे पास आ जाएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं दिस अपॉन दिस करूंगी तो ये हो जाएगा बीटा बाय अल्फा, यहां आर से आर कट के साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा, और वहां से थीटा कितना आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपने बहुत बार की होगी। तो हमने क्या किया, अल्फा को पुट किया आर कोस थीटा और बीटा जो इमेजिनरी पार्ट था उसको पुट किया आर साइन थीटा, स्केयरिंग और एडिंग करके आर की वैल्यू आ गई और दोनों को डिवाइड करके थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, कैपिटल लोग निकालना है। कैपिटल लोग निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, टू एन पाई एयोटा प्लस में स्मॉल लोग, ठीक है। अल्फा प्लस एयोटा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, क्या थी आर कोस थीटा प्लस एयोटा आर साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है ई की पावर एयोटा थीटा का, ठीक है। फिर लोग एम इंटू एन, लोग एम प्लस लोग एन, तो ये हो जाएगा लोग आर प्लस लोग ई की पावर एयोटा थीटा, लोग ई की पावर एयोटा थीटा, लोग ई तो वन हो गया, क्या बच गया एयोटा थीटा, ठीक है, क्योंकि ये एयोटा थीटा आगे आएगा, फिर ये बचेगा लोग ई, पावर आगे आ गई, बच गया लोग ई, लोग ई कितना होता है वन, तो एयोटा थीटा बच गया, ठीक है। फिर ये ऐसे कैसा, आर की वैल्यू पुट कर दी, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, जिसमें इसको मैं लिख सकती हूँ अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की पावर वन बाय टू, और पावर फिर वो आगे आ गई, तो ये हो गया वन बाय टू लोग अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इमेजिनरी पार्ट हो गया ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रियल पार्ट, ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट, और ये हमारी आ गई जनरल वैल्यू, किसकी अल्फा प्लस योटा बीटा की जनरल वैल्यू, ठीक है। अगर हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो हम एन को जीरो पुट कर देंगे, एन को जीरो पुट किया तो ये खत्म हो गया, ये हमारा आ गया रियल पार्ट और ये हमारा आ गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। वन बाय टू लोग अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हो गया रियल पार्ट, आयोटा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब इस फॉर्मूले को खूब अच्छे से टिप्स पे आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर हमें स्मॉल लोग निकालना है, मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस योटा बीटा की, तो आंसर आएगा वन बाय टू लोग ऑफ रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। ये हमारा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोग निकालने का फॉर्मूला है, और ये प्रिंसिपल लोग है हमारा, और ये जो आया था ये जनरल लोग आया था, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल है कि हमें माइनस पांच का लोग निकालना है, पहले हम प्रिंसिपल निकाल देंगे बाद में जनरल निकाल देंगे, ठीक है। तो हमने लिखा लोग ऑफ माइनस फाइव, पांच माइनस पांच को क्या लिखेंगे फाइव इंटू माइनस वन, लोग दोनों पे अलग अलग हो गए, हो गया लोग फाइव प्लस लोग माइनस वन, माइनस वन को क्या लिखेंगे कोस पाई प्लस अयोटा साइन पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस वन होती है, इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो टोटल मिला के ये बच गया माइनस वन। इसको हम क्या लिखेंगे ई की पावर पाई अयोटा, लोग ई कैंसिल हो गए कितना बच गया पाई अयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस पांच के लोग की प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू निकालनी है तो हम प्रिंसिपल वैल्यू में क्या ऐड कर देंगे टू एन पाई अयोटा, टू एन पाई अयोटा ऐसे कैसा लोग ऑफ माइनस पांच की वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया रियल पार्ट, और इन दोनों का सम ये हमारा आ गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है।
माइनस पांच के लॉग की ये जनरल वैल्यू है, जिसका ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है।